स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्सियम पर। और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंप्लीट लेक्चर। बहुत सारी चीजें होंगे, पिछले लेक्चर में लाइट कट गया था तो थोड़ा सा लास्ट में यहां तक हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है, उम्मीद करते हैं लाइट नहीं कटे है ना। तो थोड़ा इसमें कुछ छूट गया था, इसलिए हमको थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना था, ठीक है, इसलिए हम आगे इसको निकाल रहे हैं। आवाज आ रहा है ना, आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि पोटेंशियल ए पॉइंट पर कितना होगा, बी पॉइंट पर कितना होगा और सी पॉइंट पर कितना होगा, है ना। सीखे थे ए पॉइंट पर पोटेंशियल अगर हमको निकालना था तो हमने कैसे निकाला था कि इसके इस सेल के कारण भी यहां पोटेंशियल निकाले थे, फिर इस वाले सेल कारण भी यहां पोटेंशियल निकाले थे और फिर इस कारण भी पोटेंशियल यहीं पर निकाले थे। तो उस तरह से हमको मिला था ये, ठीक है। और फिर उसी तरह सी पर नहीं निकाले थे हम लोग, है ना। तो सी पर निकाले थे ए के कारण, बी के कारण और सी के कारण, तो हमको निकल गया था पोटेंशियल एट सी, ये वाला मिल गया था। एक सवाल पूछा गया था इसी में कि अगर मान लो, है ना, ऐसा एक कंडीशन दिया गया था, इसीलिए हमने सवाल पिक भी किए थे कि वी ए इक्वल टू वी सी हो जाए देन रिलेट ए बी एंड सी, इस तीनों को रिलेट करना था, है ना। इस सवाल में अगर हमको वी ए और वी सी इक्वल हो जाए, ना वी ए है और ये वी सी है, तो दोनों को बराबर कर लेना है, काम बन जाएगा। तो वी ए का वैल्यू कितना है ये आराम से लिख सकते हैं ना, हम इसको इरेज कर दें, क्या इरेज कर दे रहे हैं, यहां तो सबका कॉपी होगा ही ना, है ना। तो बस इसको आगे कंटिन्यू कर लेना है ना, यहां से ये दिख रहा है वी ए और ये दिख रहा है वी सी, इस दोनों को हम इक्वल कर दे रहे हैं, है ना, इरेज कर दे रहे हैं। तो क्या दिख रहा है, ये दोनों हमारा इक्वल है, यानी कि वी ए और वी सी इक्वल है। ये हो गया हमारा वी ए, और वी सी का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस में सी। अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर से क्या दिखेगा, ठीक है, ये है हमारा वी सी और वो हो गया हमारा वी ए। तो ये हो गया, क्या बोल रहा था, वी ए इक्वल टू वी सी। तो देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जी होती है, खत्म हो गया, तो बाकी तो बचा एबीसी, इसे सॉल्व करना है हमको। तो ए माइनस में बी प्लस में सी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा, आई थिंक एलसीएम लेंगे तो सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए सी माइनस में बी सी प्लस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर खत्म हो गया, इज इट ओके। और ये बी स्क्वायर है यहां पर, देख लेना, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, यहां सी को बना रहे क्या, यहां हो रहा है ए माइनस बी, और यहां हो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी और ए माइनस बी खत्म हो गया, तो बचा क्या, सी इक्वल टू ए प्लस में बी, दिस इज द रिलेशन ऑफ ए बी एंड सी, है ना। दिस इज अ कंप्लीट एनालिसिस, कॉपी कर लो, ठीक है, इसको अच्छे से, है ना, ये खत्म हो गया। हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ बात करेंगे, है ना, कॉपी करो, सॉरी 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 कॉपी करो। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आज का जो पूरा लेक्चर होगा इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं, वो सारे के सारे स्क्रीन पर आते जाएंगे, ठीक है। जो जो हम बात बोल रहे हैं ये सारा ही चीज स्क्रीन पर आते जाएगा, उसको स्क्रीनशॉट लेते जाना है और बाद में कॉपी कर लेना है, पहला चीज तो ये हो गया। सेकेंड नंबर में जो बोर्ड पर चीजें अभी ड्रॉ करेंगे, जो हम सारा चीज लिखने वाले हैं नहीं, तो स्क्रीन सब आते जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम कितना लिखते रहेंगे बोर्ड पे, छोटा भी है, ठीक है। तो पहला बात तो ये हो गया, सेकेंड नंबर में कॉपी करते जाना है सही से, और होगा तो हम इसका पीडीएफ एक टेलीग्राम ऐप पे भी छोड़ देंगे, है ना, जो नोट हम बनाए हैं लैपटॉप आगे नहीं है हमको, इसी से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को इस पर स्टडी करेंगे, क्योंकि आज से जो तीन लेक्चर आने वाला है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाने वाला है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे अर्थिंग, है ना, तो थर्ड वीडियो में आएगा। उसके बाद कुछ कमाल कमाल की चीजों को एकदम आसानी से हम लोग डील कर पाएंगे, तो ध्यान से चीजों को एकदम ईमानदारी से खापी करके बैठ जाओ
और धीरे धीरे करके कॉपी करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्लो ही आज से पढ़ाएंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है इसको, ठीक है ना। तो पहला बात देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम क्या है लिखा हुआ, इक्वी और पोटेंशियल, यानी कि इक्वल पोटेंशियल की बात हो रही है, यानी कि ऐसा सरफेस, सरफेस है ना लिखा हुआ, जिसका कि पोटेंशियल इक्वल होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा सरफेस हो जिसका कि पोटेंशियल इक्वल हो, दैट्स इट, ठीक है। पहले सिर्फ डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन आ रहा होगा स्क्रीन पर, वैसे भी हम भी लिख देते हैं यहां पर। ये क्या है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग इक्वल पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल, यानी कि सारे ही पॉइंट। अच्छा, लोकस से दोस्ती है क्या, लोकस क्या होता है, अरे वो मैथमेटिक्स में लोकस है ना, तो लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट क्या बताते थे, एक मूविंग पॉइंट पी लेते थे जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स वाई बताते थे, और ये मूविंग पॉइंट थी, और ये मूविंग पॉइंट जिस पाथ को ट्रेस आउट करता था उस पाथ को हम लोग कहते थे लोकस, अरे लोकस पाथ वे, ठीक है। तो लोकस तो ही होता है ना, लोकस मैथ के स्टूडेंट समझ में आता होगा, जो बायो के स्टूडेंट है बस सीधा सीधा समझ लो कि एक मूविंग पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, और ये मूविंग पॉइंट, ये क्या है पी हमारा, क्या है मूविंग पॉइंट है, ये क्या है मूविंग पॉइंट है, और ये मूविंग पॉइंट जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को ही हम कहते हैं लोकस, लोकस मतलब हो गया पाथवे, है ना। तो लोकस मतलब क्या हो गया, पाथ वे, ठीक है, सिंपल है, पाथवे ऑफ मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट पी, यानी कि पी पॉइंट का पाथवे है, पी मूविंग पॉइंट है जिसका पाथवे है हमारा लोकस, यानी जिस रास्ते से वो जा रहा है। सपोज करो कि अगर हम कह दिए इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स लाइन, तो हम कैसे कहते थे कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन कैसे बनता था, हम कहते एक मूविंग पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, और वो कुछ इस तरह से चल रहा है जिसके लिए कि हमारा एक्स और वाई का वैल्यू हर समय सेम होगा, तो ये हमारा इसी स्ट्रेट लाइन को ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, खैर इतना बड़ा इशू नहीं है, बस सीधा से समझ लो कि मूविंग पॉइंट टी है जो इसी रास्ते को फॉलो किया और इस रास्ते के हर एक एक्स और वाई का वैल्यू सेम है, तो हम कर देंगे वाई इक्वल टू एक्स वाई का ये लोकस है। सिमिलरली वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर अगर आप कैसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं ना, ये सब कैसे लोकस है, ये क्या है लोकस है। उसी तरह से अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये मैथमेटिक्स की चीजें हैं, हमको इसमें कोई दिलचस्पी है नहीं, हमारा दिलचस्पी है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, है ना। इसको पहले इरेज कर देते हैं, कॉपी करना चाहते हो कॉपी कर लो, ठीक है। मूविंग पॉइंट है जिसका लोकस लिखा हुआ है, पाथवे ऑफ मूविंग पॉइंट पी है यहां पर, और कुछ मतलब है नहीं, इरेज कर दे, ठीक। हाथ चालू रखा करो, ठीक है ना, हम बोलते जा रहे हैं हाथ चालू रखो, कॉपी भी करते जाओ, दिमाग भी लगाते जाओ, नहीं तो कॉपी करने का समय देंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। तुम्हारे पास तो ऑप्शन है जी ड्रैग वगैरह करने का, चलो ठीक है, ध्यान सुनो। तो क्या लिखा हुआ, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट हैविंग इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। मान लेते कोई भी गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लेते मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है क्यू, तो हम जानते हैं कि इसे ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास करता है ना, ऐसे ही पास करता है, ऐसे ही पास करता है, ऐसे ही पास करता है, और ऐसे ही पास करता है ना, ध्यान सुनना है मेरी बात को। और ये थ्री डायमेंशन में होता है, अगर हम बोलते हैं यहां पर एक पॉइंट चार्ज है तो इधर भी निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, नीचे भी, इधर भी, और इधर भी जा रहा है, यानी हर एक डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलता है। अगर हम ये बोल दें किसी r डिस्टेंस पर यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, बताओ तू, यहां पर r, ये अगर r डिस्टेंस है तो यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, k q अपॉन r होगा, ये बात तय है ना, यहां पर क्या हो जाएगा k q अपॉन r। सिमिलरली अगर हम r रेडियस में एक स्फेयर एज्यूम करें तो हर जगह पे पोटेंशियल सेम होने वाला है क्या, सुनना मेरी बात ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं r रेडियस का अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, इधर भी r रेडियस है, ये भी r रेडियस, ये भी r रेडियस, ये भी r रेडियस, ये एक स्फीयर है, क्या स्फीयर या स्फेरिकल रीजन है,
इस पूरे रीजन में हम यहां पर पोटेंशियल की बात करेंगे क्या केटी अपॉन आर होगा इस आर जगह पे, नहीं होगा। इस पूरे स्फेयर पर हर जगह पे सेम पोटेंशियल हो जाएगा, इसीलिए इस स्फेयर को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। बैठे दिमाग में, फिर सुनो, हमने अगर आर डिस्टेंस पर एक स्फेयर बनाया, उस स्फेयर के हर एक पॉइंट पर, स्फेयर पर जो भी पॉइंट आएगा हर जगह पे सेम पोटेंशियल होने वाला है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी केक्यू अपॉन आर, और इसका वैल्यू हर एक पॉइंट के लिए सेम है, तो हम इस स्फेयर को क्या कह देंगे, इस स्फेयर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ रहा है, इसीलिए हम इस स्फेयर को कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले ये पॉइंट तो लिख लो। एक और, अच्छा ये बात नहीं समझ में आया तो हम एक और बात कर सकते हैं, यहां पर आर है, चलो हम किसी 2R डिस्टेंस पर चले आते हैं, है ना, यहां पर से हम एक स्फीयर बना सकते हैं, एक दूसरा स्फीयर बन जाएगा, नहीं बनेगा, दूसरा स्फीयर ऐसे बन जाएगा जिससे कि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा सेम आने वाला है फिर से, अगर ये 2R डिस्टेंस हो गया तो हम ये नहीं कह रहे कि इससे दो गुना है तीन गुना, कोई मत दोस्ती नहीं, हम बस इतना कह रहे हैं इसके पूरे पॉइंट पर हर जगह पे सेम पोटेंशियल आएगा, दैट्स इट, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई निगेटिव चार्ज रहे जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइन्स अंदर की तरफ आ रहे होते हैं, है ना, ऐसे तो हम क्या कर देंगे कि यहां पर जो एक स्फीयर बना देंगे जिसके इस पॉइंट पर सेम रेडियस का पॉइंट है ना, तो यहां पर हर जगह सेम पोटेंशियल होने वाला है, ये हमारा क्या बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये क्या हो गया हमारा नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इस डिस्टेंस पर मान लो ये डिस्टेंस हमारा कोई आर है यहां से तक, ये कोई स्मॉल आर डिस्टेंस है, तो इधर भी तो आर डिस्टेंस होगा, रेडियस तो उसमें सेम हो जाएगा, स्फीयर है ये, स्फीयर सर्कल नहीं है, स्फीयर, स्फीयर में गेंद, ये फुटबॉल है ना वैसा टाइप का, वैसा बन रहा है। अब ये बताने कोई मतलब तो है नहीं, पहले सब लोग जानते हैं, तो ये कोई भी निगेटिव चार्ज अपने चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाता है अपने अंदर, है ना, तो उसे हर जगह पे ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। छाप लो, ये क्या है हमारा, ये दोनों, ये और ये क्या है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ऐसा लोकस, लोकस का हर एक पॉइंट जिस पे कि हर जगह पे सेम पोटेंशियल आ रहा है हम उसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिंपल हो गया बात, ठीक है ना। चलो ठीक है, कॉपी कर लो पहले इसको अच्छे से, ठीक है, हो गया, कॉपी कर लो। चलो एक कंडीशन के ऊपर बात करते हैं, देखना ध्यान से, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे बना दिया, समझ लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये कैसे बना होगा, समझ सकते हो भाई, बहुत दूर से चार्ज आ रहा है या फिर यहां पर बहुत बड़ा सा प्लेट रखा गया जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो हमने एक पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी है, ठीक है। अब हम दो तीन कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे जिसके कारण हमको कुछ कुछ बात समझ में आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी से कुछ पॉइंट्स के ऊपर दिमाग में रखने के लिए। तो पहला बात तो ये हो गया कि अगर हम ये कह देंगे अगर ये पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है, और अभी हमने इसको रेस्ट से यहां पर से रिलीज किया, कैसे रिलीज किया, रेस्ट से रिलीज किया, तो ये किधर की तरफ जाएगा, प्लस चार्ज है, रेस्ट से रिलीज हुआ है, और हम कह रहे हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे पास कर रहा है, अगर ये ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर की तरफ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सा एक सीट रखा गया होगा जिसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा जिस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, अगर ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बनाया है तो ये प्लस वाला इस प्लस वाले को तो बोलेगा बाबा तुम उधर चले जाओ, यानी कि दिस सीट रिपेल्स दिस चार्ज इन दिस डायरेक्शन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स इसके ऊपर अपीयर हो जाएगा, इस पर फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू हो जाता है क्यू ई, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। और अगर किसी भी चार्ज के ऊपर अगर फोर्स लगेगा तो उसके कारण उसका एक्सेलरेशन होना है,
यानी कि यह बॉडी रेस्ट से इसकी स्पीड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ये रेस्ट पे है इसकी स्पीड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इसका कहीं ना कहीं स्पीड जीरो है तो कुछ देर के बाद 1 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगा, कुछ देर के बाद कुछ और स्पीड चलने लगेगा, यानी कि स्पीड बढ़ने का मतलब है कि इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी इधर इंक्रीज कर जाएगा। और हमको एक बात और पता है कि एनर्जी जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है एक्स, क्योंकि यह हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पूरा का पूरा कंजर्वेटिव फील्ड है, इसमें नेट एनर्जी हर समय हमारा कंजर्व रहता है या कॉन्स्टेंट रहता है। अगर ये कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं जिसकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर हम ये यू लिखें, अगर हम कह रहे हैं के बढ़ रहा है, बढ़ा के बढ़ रहा, देखो अगर स्पीड बढ़ रहा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ एमवी स्क्वायर, हाफ एमवी स्क्वायर। और अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा होगा, अगर इसका स्पीड बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा होगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है और E को कांस्टेंट रखना है तो U को तो घटना पड़ेगा, समझ में आई बात ना, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो U को तो घटना पड़ेगा, तभी ना ये दोनों मिल करके कहीं ना कहीं E मेरा कांस्टेंट कर पाएगा। तो यानी कि इस सिस्टम में हम कह देंगे जब हमारा चार्ज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और पोटेंशियल एनर्जी घट जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, लिख लो ध्यान से, ठीक है, क्या लिखना है, When a charge is moving along electric field, है ना, then its potential energy decreases, potential energy घट रहा है and काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस कर सकते हैं। लेकिन हमारा दोस्ती काइनेटिक एनर्जी से नहीं है, हमारा दोस्ती है पोटेंशियल एनर्जी के घटने से। यह बहुत कंफ्यूजिंग सा वर्ड है, दिमाग में बैठा लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ एक चार्ज को लेके जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में लेके जाएंगे, इधर की तरफ जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया ये बोरा बात, नहीं समझ में आया फिर सुनो। जैसे ही रेस्ट पे चार्ज था, फोर्स लगा दिया इसने, फोर्स लगने से इसकी स्पीड बढ़ने लगी, स्पीड बढ़ने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, घटेगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ेगा। कितना अच्छे से हम डिस्कस किए थे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, हर सिस्टम चाहता है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंचे, तो ये उधर की तरफ अपने आप जाने लगेगा। लेकिन इससे क्या हो जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी घट जाएगी, ये ऐसा करते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया पहला बात। सेकंड नंबर की बात करते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं, इमेजिन कर लो कि यहां पर प्लस चार्ज है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां प्लस चार्ज है, इसका क्यू है वैल्यू, हम क्या किए इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, इधर की तरफ लेके आ रहे हैं, कुछ एनर्जी दिए होंगे इसको, है ना, तभी तो, या फिर कुछ वेलोसिटी दिए होंगे तभी इधर आएगा। अब इधर आएगा तो फोर्स इस पर इधर लगा है, इधर के आने से क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड घटने लगेगी, यानी कि इधर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज करने लगेगा ना, और अगर के डिक्रीज करेगा तो यू तो इंक्रीज करना चाहिए। यानी कि अगर एक चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के जाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी घटने लगेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट में लिखना है, When a charge is moving, ठीक है, opposite of electric field, है ना, then its potential energy increases, potential energy increases, ठीक है, while its kinetic energy decreases, kinetic energy उसका घटने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर सेम आर्गुमेंट के हिसाब से यहां पर प्लस के जगह पे माइनस डाल दिया जाए
तो सीधा मामला उलट जाएगा, क्योंकि निगेटिव वाला तो अपने आप खींचा जाएगा इधर की तरफ, यानी इधर जाने से उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी और पोटेंशियल जी घटने लगेगा। यानी कि सेम चीज लिखना है यहाँ पर, लिखना है कि व्हेन अ निगेटिव चार्ज मूविंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मामला हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा और काइनेटिक एनर्जी घटने लगेगा। ये दो पॉइंट अगर तुम अपने से ऐड कर सकते हो कर लो, लेकिन हमारा कोई मतलब है नहीं, हमारा सारा दिमाग फोकस इसी बात पर रहना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। तब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बात की, यही सीखे है कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा, और अगर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। ये दो बात समझ में आ गया, ये दो बात हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो पहला बात तो ये क्लियर हो गया है, कॉपी कर लो इसको अच्छे से, अभी धीरे धीरे करके रिवील होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहले अच्छे से कॉपी कर लो इसको, ठीक है, हो गया, कॉपी कर, कॉपी कर। चलो एक छोटा सा चीज हम लोग अभी तक सीखे हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो होता है माइनस में डीवी अपॉन टीआर। तो अगर हम इसी से लिखे डी वी वेक्टर इक्वल टू क्या माइनस में ई वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो निगेटिव होता है वो हमारा पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और निगेटिव यही बता रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल हमारा घट जाता है। ये बात तो ये समझा रहा है जो अभी हम लोग बात में वहां पर समझ में आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, डॉट जो है इसके हिसाब से अगर हम लिखें इसी को डी वी को या फिर इसी को डेल्टा वी लिख दे ज्यादा बेटर होगा, तो माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ऑफ डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना, ई डी आर कॉस थीटा। और हम जानते हैं अगर अगर हम कह दें इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डेल्टा आर वेक्टर, अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डेल्टा आर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो बता दो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि अगर यहां पर डॉट है और यहां पर कॉस 90 लिखेंगे तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, पूरा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, डेल्टा भी हमारा जीरो हो गया। यानी डेल्टा भी हमारा जीरो हो गया तो यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो गया। क्या हुआ इसका मतलब है, इसका मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। कब हुआ जीरो, ये कब हुआ जीरो, जबकि हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में हमारा अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं तो उसको ध्यान से समझो, हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और हम क्या किए, हम एक बात तो समझ चुके हैं कि अगर एक चार्ज है उसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो पोटेंशियल घट जाएगा, यू क्या हो जाएगा डिक्रीज कर ले, इधर लेके जाएंगे तो यू बढ़ने लगेगा। तो भाई हम ना इधर लेके जा रहे हैं ना इधर लेके जा रहे हैं, हम एक काम किए हम इसके परपेंडिकुलर चले गए, इसके परपेंडिकुलर चले गए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हमारा कहीं पर भी पोटेंशियल का डिफरेंस जो आएगा वो जीरो आएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो आ रहा है तो अगर हम एक काम करते हैं, यहां पर ए पॉइंट है, ए पॉइंट से निकल करके अगर हम बी पॉइंट पर पहुंचे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई डेल्टा भी हमारा जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया चेंज इन पोटेंशियल हमारा जीरो है, यानी वी बी माइनस वी ए ये जीरो है, इसका मतलब ये ना हो गया कि वी ए का वैल्यू वी बी के बराबर है। तो सुना मेरे बात को, डेल्टा भी अगर जीरो है इसका मतलब क्या हो गया वी ए माइनस में वी बी या वी बी माइनस में वी ए फाइनल माइनस में इनिशियल, तो हम अगर जीरो कर रहे थे वी ए माइनस वी बी, वी ए का वैल्यू वी बी के बराबर है, यानी कि ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है। ये कब हुआ बराबर, जबकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चले गए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चले गए। इसका मतलब जो इस
सरफेस या फिर इस लाइन पर हम कहीं पर भी मूव करें परपेंडिकुलर, तो हमारा नेट जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो जीरो होने वाला है, यानी कि हर जगह पे इक्वल ही पोटेंशियल होगा ना, तभी तो डिफरेंस कुछ नहीं मिल रहा। यहां पर जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल यहां है, उतना ही पोटेंशियल यहां है, उतना ही पोटेंशियल यहां है, तभी ना हम कह रहे हैं कि डिफरेंस नहीं मिल रहा। यानी कि इस पॉइंट से या फिर इस लाइन से या फिर इस सरफेस से, इस सरफेस से हम इधर जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, इस सरफेस से इधर जाएंगे तो बढ़ जाएगा। समझ में आया मेरे बात? हम क्या बोल रहे हैं, इस सरफेस से इधर जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल घटना स्टार्ट हो जाएगा, इस सरफेस से हम इधर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? और इसीलिए आप इस सरफेस को कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई दिक्कत? तो हम सबसे पहला बात तो यहां पर ही समझ में आया कि इलेक्ट्रिक जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये बात तो तय हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल समझ में आ गया मेरा बात कि हम क्या बोल रहे हैं, ये बात समझ में आ गया ना, एनोटेशन आ रहा होगा उसको कॉपी कर लेना, ठीक है। तो ध्यान से पेन चालू रखो, समझते भी जाओ और लिखते भी जाओ। तो पहला बात क्या सीखे हम कि जो डेल्टा भी है, जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये जीरो होगा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वल का पोटेंशियल वाला सरफेस है ना, वो हर समय इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम इसी को हम यूज करते हैं, है ना, इसी फॉर्मूले को अगर हम यूज करें, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आ रहा है वो माइनस में डेल्टा भी अपॉन डेल्टा आर आ रहा है, है ना, डेल्टा भी अपॉन डेल्टा आ रहा है, हम यूज कर रहे हैं इसको, है ना, डीवी अपॉन डीआर भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारा यूनिफॉर्म दो पॉइंट दिया हुआ है, बड़े बड़े चेंजेस हैं बी में, तो बड़ा बड़ा डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है, तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉपी कर लो पहले, जल्दी से कॉपी कर लो, जो स्क्रीन पर आते जा रहा है उसको स्क्रीन शॉट करना है, और जो यहां पर आ रहा है उसको भी कॉपी कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट पे, है ना, अभी कुछ पॉइंट्स लिखते जाएंगे, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, है ना, कॉपी कर लो। चलो अब देखते हैं कुछ शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखता कैसे है, तो है ना, सबसे पहला है हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज है, हम उसके लिए बात करते हैं। तो पॉइंट चार्ज ध्यान से देखना, यही प्लस चार्ज है जिसका वैल्यू यहां पर क्यू दिया हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही निकालता है, ऐसे पीछे भी हम लोग देख चुके थे, ठीक है, फिर थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं कि इक्वल पोटेंशियल सरफेस हमको बनाना है, हम एक काम करते हैं, यहां पर पहुंचे किसी जगह पे, यहां पर, ठीक है, तो यहां पर इस जगह से एक सरफेस ऐसे बना सकते हैं स्फेयर, तो हम कहेंगे ये हमारा जो स्फेयर बना है ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये कैसा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि पॉइंट चार्ज के कारण कैसा बनेगा? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है यहां तक। अब एक और चीज समझते हैं कि जो हमारा डेल्टा भी है वो तो हम समझ चुके हैं ई डॉट डेल्टा आर है, या फिर ई जो है ये हमारे पास डेल्टा भी है और डेल्टा आर, उसका ये बात तो दिमाग में रख लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम एक काम करते हैं, थोड़ा हम यहां पहुंच चुके हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा आर वन है और ये डिस्टेंस हमारा आर टू हम कर रहे हैं, इसके बीच का जो डिफरेंस है हमारा R2 माइनस में R1 हो जाएगा अगर हम ये कह दें कि ये हमारा R2 है, ठीक है, ये हमारा हो गया R2, ये समझ में आ रहा है बात, ये R2 है। अब यहां पर से हम एक स्फीयर एज्यूम कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, हम कह रहे हैं, ध्यान सुनना है मेरे बात, जो हम बोलने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सा, ये सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट सा बात बोलने वाले हैं, ठीक है,
तो ये हमारा आर टू है ये पॉइंट, और ये यहां से देखकर रेडियस है आर वन आर टू, और ये रेडियस है हमारा आर वन, ठीक है। और एक पॉइंट हम यहां ले लेते हैं, हम इसको कहते रहे आर थ्री, क्या कह रहे हैं इसको आर थ्री, है ना, ये रेडियस हो गया हमारा ऐसे ऐसे, है ना, ये रेडियस हो गया हमारा आर थ्री। तो थोड़ा कुछ दिख रहा होगा कि हम जो पैटर्न बना रहे हैं हम थोड़ा डिस्टेंसेस बढ़ाते चले गए, यानी कि हम एक बात ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना क्राउडेड है नजदीक में उतना ही क्लोज क्लोज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस नजर आएंगे। नहीं समझाया, जैसे सपोज करते हैं कि हम यहां पर कह दें, अच्छा एक और बात, पहला बात तो यही बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम अगर बढ़ेंगे तो पोटेंशियल तो घट जाएगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो रैंडमली हम कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं, ध्यान सुनना मेरे बात को, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि 120 वोल्ट का ये पॉइंट है सरफेस, ऐसे लिख दे रैंडमली, मेरी मर्जी है, हम ऐसे लिख दे 120 वोल्ट है। और हम कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस है इस दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच वो सेम है, तो यहां पर अगर 120 वोल्ट है तो यहां पर हम कह रहे हैं कि 100 वोल्ट है, तो पोटेंशियल में डिक्रीमेंट हुआ है, होना भी चाहिए था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ते थे पोटेंशियल हमारा घट जाता था, यानी इस सरफेस से कम पोटेंशियल यहां पर मिलेगा। और हमको पता है कि वी का फॉर्मूला जो होता है वो के क्यू अपॉन आर होता है, तो अगर आर बढ़ेगा तो वी तो घटेगा, जो घट भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि यहां पर हो गया 100 वोल्ट। और उसी तरह से हम यहां पर कर 80 वोल्ट है ना, इस वाले सरफेस का पोटेंशियल हमारा 80 वोल्ट है, तो पोटेंशियल हमारा घटते जा रहा है, लेकिन डिफरेंसेस देखो कितना है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 वोल्ट का आ रहा है, कितना वोल्ट का आ रहा है, 20 वोल्ट का आ रहा है। अगर हमको इसको डिफरेंस को इक्वल करना है, इस डिफरेंस को इक्वल करना है, इस डिफरेंस को इक्वल करना है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो कैसे भागता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्क्वायरली भागता है, यानी कि इस डेल्टा आर को, इस डेल्टा आर को शुरुआत में हमको कम रखना पड़ेगा और बाद में इसको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। डेल्टा आर को हमको अगर इसको कॉन्स्टेंट रखना है तो हमारा ई तो बाहर जाए घट रहा है, अगर ये घट रहा है तो कहीं ना कहीं हमको इसको बढ़ाएंगे, डेल्टा आर हमारा, डेल्टा आर मतलब डिफरेंस ऑफ आर, ये बढ़ेगा तभी ना ई हमारा घटेगा। नहीं समझ में आया मेरा बात, फिर सुनो, हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा ये डेल्टा भी हम मान लेते हैं फिक्स कर दिए, अगर हम डेल्टा भी को फिक्स कर दे रहे हैं, डेल्टा भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमने से फिक्स कर दिया, अगर ये फिक्स हो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटता है, हम जानते हैं आगे बढ़ने में इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, तो कहीं ना कहीं हमको डेल्टा आर यानी कि डिफरेंस ऑफ टू सर्फेसेस, डिफरेंस ऑफ टू सर्फेसेस, डेल्टा भी मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और डेल्टा आर हो गया हमारा है ना सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। यानी कि अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा घटता है तो कहीं ना कहीं डेल्टा आर को हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो डेल्टा आर हमने बढ़ा दिया, तो इसलिए अभी शुरुआत में इतने सारे डिस्टेंस रखे थे, बाद में इतना बड़ा डिफरेंस रखें, अभी और बड़ा, और इसके बाद वाला कोई सरफेस बनेगा तो और बड़ा हो जाएगा। पहला बात तो ये समझ में आ गया, यानी कि अगर हम यहां पर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको इस तरह का सरफेस दिखेगा, यानी कि जितना क्लोज आते जाएंगे पॉइंट चार्ज के उतना ज्यादा ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखेगा और उतना ही क्राउडेड हमको दिखेगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। तो एक पॉइंट जो आ रहा है यहां पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्राउडेड टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना नजदीक में होते हैं चार्ज के उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो उधर की तरफ हमारा कहीं ना कहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत ज्यादा क्लोज होगा, समझ में आ गया, क्राउडेड होगा, है ना, और नजदीक, और तो पहला बात तो यह समझ आएगा पॉइंट जाने के कारण कहीं ना कहीं स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, और ये प्लस वाले का बना दिए, इसी तरह से हम लोग निगेटिव वाले का बनाएंगे, पहले यहां तक प्लस वाले कॉपी कर लो। तो एक जो स्क्रीन पर आ रहा होगा अभी उसमें क्या लिखा हुआ है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर क्राउडेड टूगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर एज दे आर रेडियली फार अपार्ट फ्रॉम वेयर द फील्ड इज वीक, ठीक है, धीरे धीरे करके इधर फील्ड वीक होते जा रहा है उधर की तरफ, ये फार अपार्ट होते ना, ज्यादा डिस्टेंस पर भी हमको अब इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगे, ज्यादा डिस्टेंस पर इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे 80 हो गया, यहां पर जाकर के अब हमको 60 वोल्ट मिलेगा, डिफरेंस हम अभी भी 20 का रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉपी कर लो, चलिए इसको निगेटिव वाले को भी दिखाते हैं।
समझ में आ गया मेरे पास ना, प्लस वाले से कैसा बनता है स्फेरिकल पोटेंशियल सरफेस, इक्विवेलेंट सरफेस। दूसरा नंबर में क्या सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमारा घटता है, तो हमने एक रैंडमली कुछ पॉइंट्स बनाए, एक एग्जैक्ट डेटा नहीं है, तुम्हारे बुक में कुछ और देगा सवाल के बनाते समय कुछ और दे देगा, हमको इससे कोई लेना देना है नहीं। हम बस इतना समझाने की कोशिश किए कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 यहां पर भी 20 यहां पर भी 20, से 20 को मेंटेन करने के लिए इसके बीच का सेपरेशन बढ़ाना पड़ेगा हमको। कोई दिक्कत, कॉपी कर लो। तो अगर यहीं पर निगेटिव चार्ज रखते तो कैसा बनता, हम उस पर बात कर रहे हैं। निगेटिव पर कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होता है अपने तरफ, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अपनी तरफ आते हैं नजदीक, ठीक है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां नजदीक होगा वहां पर क्राउडेड इलेक्ट्रिक वो बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां पर हम थोड़ा सा ऐसे नजदीक में इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिए, यहां पर थोड़ा दूर में बना दे रहे हैं ऐसे, और यहां पर और दूर में बना दे रहे हैं ऐसे, और उसके बाद जो अगला बनेगा वो बहुत दूर बनेगा ऐसे, है ना ऐसे। अब एक बात बता, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ने लगता है। अगर हम ये कह दें ये पॉइंट हमारा अगर मान लेते 100 वोल्ट का है, तो इधर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है तो हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे तो बढ़ जाएगा पोटेंशियल। तो हम मान लेते 20 का डिफरेंस लेके चले, तो यहां पर कितना हो जाएगा 120 वोल्ट हो जाएगा, यहां पर जाएगा 140 वोल्ट है ना इस पॉइंट पर, और ये हो जाएगा हमारा 160 वोल्ट, है ना डिफरेंस, समझ आया बात। तो सिमिलरली फिर से देखो डिफरेंस हमने मेंटेन किया है, इसलिए हमें सेपरेशन को बढ़ाना पड़ गया है यहाँ पर। इस बार कह रहा है सेकेंड है हमारे पास लाइन चार्ज है ना, कैसा चार्ज है हमारे पास, तो लाइन चार्ज है ना, तो लाइन चार्ज मतलब एक चार्ज्ड ऐसे नहीं यहां पर इधर बनाते हैं ना, एक चार्ज्ड वायर है ना, इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, ठीक है ऐसे, और इस पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, इसका लैम्डा चार्ज पर लेंथ दिया हुआ। अब एक बात बताओ कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे से निकल रहा होता है ना, इधर भी निकल रहा होता, पीछे भी निकल रहा होता है ना ऐसे, ठीक है ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ जा रहा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम ऐसे बढ़े, ये तो स्फेरिक, ये सिलिंड्रिकल शेप बनाया क्या, ऐसे कुछ नहीं बनाएगा ऐसे, समझ रहे मेरी बात, ये तो सिलिंड्रिकल बना देगा ऐसे करके शेप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हर जगह पर ऐसे 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 निकल रहा है यहां से, है ना, इस जगह पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहां आने वाला है, उतना ही पोटेंशियल यहां पर आने वाला है, उतना ही पोटेंशियल यहां पर आने वाला है, यानी कि इसके हर एक जगह पे इस स्फेयर के सरफेस के, सॉरी स्फेयर नहीं सिलेंडर के सरफेस पर हर जगह पर इक्वल पोटेंशियल होने वाला, और जो पिक्चर बनेगा हमारा सिलिंड्रिकल बनेगा, कैसा बनेगा सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहां पर बनेगा सिलिंड्रिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एकदम आसान हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग बहुत सारे सरफेस बना सकते हैं, एक और बना सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, इधर भी हमारा बनेगा। तो इमेजिन कर सकते हो, हम थोड़ा ज्यादा गंदा कर दिए यहां पर, तो इमेजिन कर सकते हो कि ऐसे करके एक सिलेंडर बनते जाएगा ना ऐसा, ठीक है, ऐसे बहुत सारा कॉन्सेंट्रिक या फिर हाँ कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर बनते जाएगा ना, तो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स होंगे कैसे ना, कैसे होंगे कॉन्सेंट्रिक, है ना कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर का सरफेस होगा। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होता है तो पोटेंशियल हमारा घट जाएगा, तो इस वाले सरफेस का जो पोटेंशियल हो जाएगा, अगर हम मान लेते 80 वोल्ट है तो इस वाले सरफेस का पोटेंशियल हमारा 60 वोल्ट होना चाहिए, है ना, बाहर वाले का उसके बाद 40 वोल्ट होना चाहिए। तो हम लोग उसी तरह से हमको यहाँ पर एनालाइज करना पड़ेगा, और सेम सिचुएशन जानते हैं कि रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है, यहां पर हमको क्राउडेड हमको फिर से दिखेगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखेगा हमको। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया मेरा बात। अब एक और पॉइंट हम बोलना, कुछ एनालाइज करो पिछले बार भी और अभी भी,
कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही इंटरसेक्ट नहीं करता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो हम अभी क्या बोले, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे ही चल रहा होता है, तो हर समय कहीं ना कहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस हर समय परपेंडिकुलर रहने वाला है। और जब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, तो हम कह देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनेगा हर समय परपेंडिकुलर ही रहेगा। और ये क्योंकि एक दूसरे को नहीं काटता, जस्ट बिकॉज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस भी दूसरे को नहीं काटेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और आगे यहाँ स्क्रीनशॉट खींचो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अगले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगला है, हमारे पास चार्ज्ड सीट है ना, चार्ज्ड सीट है। अगर हमारे पास एक चार्ज्ड सीट है तो अब तुम लोग खुद एनालाइज कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये चार्ज सीट है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे निकलने वाले हैं, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका सरफेस ऐसे ऐसे वाला बनेगा, है ना। कोई दिक्कत है? ये सरफेस बनेगा जो कि प्लेनर हो जाएगा ऐसे, फिर अगला ये बनेगा, है ना, ऐसे करके इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, यानी प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। कैसा बनेगा? प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पर तो ये हमको ऑब्जर्व हो जाएगा। एक और बात हम समझ सकते हैं कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन जानते हैं पोटेंशियल हमारा घट जाता है। तो अगर हम इस वाले पॉइंट का देखते हैं 100 वोल्ट है, ये हमारा हो जाएगा 100 सॉरी घटा है ना जी 80 वोल्ट, इसके बाद होगा 60 वोल्ट। लेकिन एक कमाल का बात यहां पर एक चीज दिखेगा कि हां, क्योंकि देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, यानी सारा सारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ऐसे से, ठीक है। तो कहीं पर भी क्राउडेड नहीं है, और अगर क्राउडेड नहीं है तो अगर हम ऐसे ऐसे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये कैसा है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी लिख सकते हो चौथे नंबर के ऊपर, है ना, इसका तो लिख लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे है। तो हम कह सकते हैं इसके बीच वाला डिस्टेंस है ये हमारा सेम रहेगा, क्योंकि ना तो इधर क्राउडेड है ना इधर क्राउडेड है, यानी कि हमको हर समय इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करना है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर होता है, और ये निगेटिव में। अगर हम ये कहते हैं डिफरेंस, हम यहाँ पर बोल दें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर की तरफ है, और ये हम कहते हैं 100 वोल्ट है, ये 80 वोल्ट हो गया, और ये 60 वोल्ट हो गया, ठीक है। हमने बोला कि डिफरेंस सेम रखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही है हर जगह पे, तो डेल्टा आर को भी तो सेम ही रखना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंस हमारा सेम रहेगा, यानी कि ये जो डिफरेंस है डेल्टा आर, यही डिफरेंस यहाँ पर भी दिखेगा हमको डेल्टा आर का ही, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये सारे के सारे पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड होंगे, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गया मेरा बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कॉपी कर लो अच्छे से, है ना। अगला है हमारा फिफ्थ नंबर में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब कैसा हो जाएगा, है ना। तो देखो ध्यान से, सपोज करते हैं कि हम ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, ठीक है ऐसे। तो हम हर समय जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होता है, तो हर समय ये देखो इस तरह से परपेंडिकुलर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। यहां पर नजदीक है, ज्यादा क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर हमको ज्यादा, है ना, सटा सटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखेगा ना ऐसे, है ना, यहां पर ऐसे, ठीक है। और उसके जैसे आगे बढ़ते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा ज्यादा डिस्टेंस वाला होते जाएगा। ये बात समझ में आ गया, बात कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया मतलब ना। तो जितना नजदीक हो जाएंगे, यहाँ पर ज्यादा क्राउडेड है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर ज्यादा क्लोज क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस तो जा रहा है जी, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, बाकी समझ में आता ही है। बाकी इसके बीच का अगर हम बोल दें कि सारे वैल्यूज को लिख दे, तो यहाँ पर ये यह वैल्यूज छोटा सा लिख लो ताकि याद रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में हमारा वोल्टेज घट जाता है, ये बात तो समझ में आ चुका है। अगर हम यहाँ पर लिख दें कि हमारे पास 200 वोल्ट है, ये है ना, कैसे लिखते हैं यहाँ पर नहीं लिख करके यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ पर हो गया 200 वोल्ट, ये हो गया हमारे पास 180 वोल्ट, ये हो गया 160 वोल्ट है ना, 140 वोल्ट, 120 वोल्ट, ऐसे कर सकते हैं है ना, पोटेंशियल हमारा घट जा रहा है, ये हमारा 220 वोल्ट हो रहा है। क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो कॉपी कर लो इसको अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे, ठीक है यहां तक। तो एक बात तो तय हो गया ना जी, अगर हम ये कह दे कि जहां पर नजदीक है वहां पर, अच्छा देखो यहां पर क्राउडेड देख करके भी समझ में आएगा कि हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर अगर एक पॉइंट ए दे दें और एक पॉइंट यहां बी दे दें, तो हम साफ कह देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पोजिशन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पोजिशन, ये बात लिख सकते नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं क्राउडेड है, ज्यादा नजदीक नजदीक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रहा है, और यहां पर हमको स्पेसिंग दिख रहा है यहां पर, इसलिए हम कह देंगे ए बी हमारा कम है, लॉजिकल लगा देंगे। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, पहले कॉपी कर लो छोटा सा, यहां पर भी सीख लिया यहां पर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ना, अभी से बहुत सारे एनोटेशन चलेंगे और सारे सारे पॉइंट हम जितना भी लैपटॉप में लिखा हुआ है सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, सबका पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा चार्ज कंडक्टर, और इस पर हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं पहले से। हाँ, तो हम एक सीधी सी बात है कि सारी चीज हम लोग जानते हैं समझते हैं, लेकिन आज थोड़ा देखने का नजरिया बदल रहा है ना। चलो पहले देखते हैं चार्ज कंडक्टर होता क्या, कंडक्टर लिखे हैं और चार्ज रहेंगे, यानी कि सारे सारे सरफेस पर चार्ज रहेंगे, कोई भी अंदर में नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसी के ऊपर सारा डिस्कशन होगा अलग अलग लेवल पे, थोड़ा ध्यान से देखना। मान लेते कि मेरे पास एक यही कोई कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर हमने बनाया, तो इसके ऊपर हमने चार्ज रखा है, और अंदर में कहीं चार्ज नहीं होगा, ये बात तो तय हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे जीरो होता है, पहला बात समझ आ चुका है ना, कि एक एक पॉइंट को लिखते आना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ चार्ज कंडक्टर है ना, चार्ज्ड कंडक्टर क्या होता है भाई, रक्त जो है ये जीरो होता है, कितनी बार बताएं, क्योंकि कोई भी चार्ज सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सरफेस पर ही आ जाता है, कोई भी अंदर में रहता नहीं है, तो यहां पर सारे चार्ज बाहर आ जाते हैं। और ये भी सीखे हुए थे कि चार्ज जहां पर छोटा रेडियस बनता है वहां पर ज्यादा चार्ज होता है, और जहां बड़ा रेडियस होता है वहां पर कम चार्ज का फॉल होता है ना, यहां पर ज्यादा चार्ज रहेगा, यहां पर नहीं रहेगा ना, थोड़ा ऐसे यहां पर थोड़ा ज्यादा चार्ज रहेगा, इस तरह से करके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सरफेस के ऊपर, क्यों होता है इस पर आगे जाकर के स्टडी कर लेंगे हम लोग। खैर अभी हम लोग इतना बात तो समझ में आता है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हम जानते हैं कि डेल्टा वी हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, क्योंकि देख लो कि डेल्टा बी का वैल्यू क्या होता है, माइनस में ई डॉट डी आर, और अगर ई जीरो हो गया तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा, जीरो, इसका मतलब बी ए बराबर हो जाएगा बी बी, अगर हम कोई दो पॉइंट को एनालाइज कर लें, ए पॉइंट और बी पॉइंट। सांस ले लो एकदम पूरा अच्छा से, फिर सुनो, हम कह रहे हैं कि भाई अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो डेल्टा भी हमारा जीरो हो जाएगा, और डेल्टा भी अगर जीरो हो गया तो फिर से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ रहा है, ना पोटेंशियल हमारे दो पॉइंट के डिफरेंस जीरो आ रहा है, यानी कि हम यहां से यहां तक पहले पॉइंट की तरफ बात करते हैं, यहां पर जितना पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां पर भी है। सिमिलरली अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर भी सेम पोटेंशियल हो जाएगा, और हम लोग ये बात समझ चुके हैं कंडक्टर कंडक्टिंग सेल के अंदर में भी बात की थी इसी तरह से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होता है तो अंदर में हर जगह पोटेंशियल हमारा सेम आया था। तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे, नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में ही पोटेंशियल हर जगह सेम है। अगर सी पॉइंट की बात कर रहे हैं, डी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हर जगह पे पोटेंशियल सेम आ रहा है, यानी कि जो कि वी सी है वही वी डी है। तो हम कहेंगे कि चार्ज कंडक्टर का जो अंदर का हिस्सा होता है
वो हमारा होता है इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। तो यहां पर जो एक छोटा सा नोटेशन आ रहा होगा सरफेस पर, है ना, यहाँ पर स्क्रीन पर सरफेस पर बोल रहे हैं, तो द चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर सच दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इक्वल टू जीरो। सारे के सारे चार्ज जो भी चार्ज है इसके ऊपर, सारे सारे इसके सरफेस पर रिसाइड करने में बैठ रहे हैं, ठीक है। और हेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इनसाइड ऑलवेज इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस हर समय यहां पर बी ए और बी बी के बीच का डिफरेंस कुछ नहीं, जितना यहां है उतना ही वोल्टेज यहां, अरे डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल जीरो नहीं है, बात समझ लो। पोटेंशियल कांट भी जीरो क्योंकि चार्ज है, चार्ज है तो पोटेंशियल होना है, लेकिन हम ये नहीं करें कि यहां पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां पर भी है, ठीक है। उसके बाद लिखा है दस वी कैन से दैट द इंटीरियर वॉल्यूम ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हमारा बन गया इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, यानी कि चार्ज्ड कंडक्टर हमारा इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होता है, चार्ज कंडक्टर का अंदर का हिस्सा, बाहर वाला नहीं, ठीक है यहां तक। फिर अब कुछ कुछ और पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ, वर्क के बारे में बात करते हैं। अब एक बात बताओ, यहां पर भी पोटेंशियल सेम है, यहां पर भी पोटेंशियल सेम है, यहां पर भी पोटेंशियल सेम है, और यहां पर भी पोटेंशियल सेम है, तो हम एक बात तो तय कर लिए कि इसके सरफेस पर हर एक पॉइंट पर भी तो पोटेंशियल सेम ही रहेगा यहां पर, क्योंकि सरफेस का पोटेंशियल ही अंदर में होता है, ये तो हम समझ चुके हैं ना कि भी सरफेस हो जाता है अंदर में, है ना, भी इनसाइड, अंदर में जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस का पोटेंशियल बराबर होता है। और अगर पोटेंशियल सेम है तो यहां तक छाप लो पहले, फिर कुछ कुछ बात लिखते हैं, पहले इसको कॉपी कर लो जल्दी से, कॉपी कर लिए, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो अच्छे से कॉपी कर इसको। है ना, तो कॉपी हो गया होगा, चलो ठीक है। एक बात बताओ कि वर्ग के बारे में क्या ख्याल है, हम लोग जानते हैं वर्ग बराबर होता है निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए या फोर्स के लिए वर्क हम लोग ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्टलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन हर समय सिर्फ और सिर्फ फॉर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस ये डिफाइन होता है, ठीक है, ये बात तो तय हो गया। तो वर्ग के बारे में आप और चीज लिख सकते हैं कि माइनस में q टाइम्स ऑफ डेल्टा v भी लिख सकते हैं, जो कि डेल्टा u इक्वल टू q इंटू डेल्टा v हो जाता है ना। तो यहां से लिख सकते हैं माइनस में q टाइम्स ऑफ v a माइनस v b, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं इसको। अगर हम कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, पहले तो सरफेस का ही उठाते हैं, हमने यहां का एक पॉइंट उठाया और एक पॉइंट चलो यहां पर उठा दिया बी पॉइंट, है ना, ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, क्या पोटेंशियल एट ए जो कि सरफेस पर ही है वो भी बी के बराबर होगा, नहीं होगा, तो हम क्या ले सकते, ये हमारा जीरो हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा जीरो, क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि लिख सकते हैं कि बी ए और बी बी हमारा बराबर है ना, कि जितना पोटेंशियल यहां है उतना ही पोटेंशियल यहां है, तो हम क्या लिखेंगे कि वर्क हमारा जीरो हो जाएगा। तो यही बात यहां पर लिखा गया है कि वर्क हैज टू बी डन, वर्क has to be done to move a charge from one point to the another point, ठीक है, no work is done moving charge inside the conductor or at surface, है ना, or at surface, थोड़ा हम इसमें add कर दे रहे हैं, ठीक है ना, or at surface, good, ठीक है। तो अगर हम कह दें कि सरफेस पर भी मूव कर रहे हैं तो भी हमारा वर्क डन जीरो आ रहा है, और सरफेस के अंदर, सरफेस पर बात कर रहे थे, सरफेस पर, और सरफेस के अंदर में अगर हम चले आए किसी सी पॉइंट से लेकर के डी पॉइंट तक चले गए, तो यहां पर भी हमारा पोटेंशियल सेम है, तो यहां पर से भी अगर एक चार्ज को उठा करके हम यहां से यहां तक भेज दें तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। यही बात लिखा है, नो वर्क इज डन मूविंग चार्ज, है ना, इनसाइड द चार्ज कंडक्टर और एट सरफेस, है ना, सरफेस के अंदर और सरफेस के ऊपर हम अगर चार्ज को लेकर के कहीं पर भी इस सरफेस पे यहां से हम उठा करके यहां भेज दें चार्ज को, या यहां भेज दें, यहां भेज दें, यहां भेज दें, कहीं भेज दें सरफेस पर,
पूरे के पूरे सरफेस पर कहीं भेज दें तो हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। और अंदर भी सेम है क्योंकि अंदर में हर जगह पोटेंशियल सेम है, इसलिए वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये वाला नोटेशन? ठीक है, तो चलो ठीक है, क्या करके अब डिस्कस करते हैं, कुछ बचा वचा है क्या? पहला पॉइंट था क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज इंटरसेक्ट है ना एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलरली, सही बात है। अ चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप इज इक्विपोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज कंडक्टर देख लो कोई भी शेप का है ना, ये वाला फिर से आ जाएगा स्क्रीन पर, ठीक है। हाँ यही बात तो लिखे थे जी, जो भी हम बताओ सरफेस पर लास्ट में लिखी थी है ना, एक चार्ज कंडक्टर के पूरे सरफेस को ही हम इक्वल पोटेंशियल कह सकते हैं क्या? ये जो चार्ज कंडक्टर होता है, चार्ज कंडक्टर इज ऑल्सो अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि ये पूरे के पूरे सरफेस पर ही हमारा वोल्टेज सेम है। समझ आ रही मेरी बात ना, ये पूरा का पूरा सरफेस ही हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, ठीक है। तो यही पर लिखा है कि अ चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप इज एन इक्विपोटेंशियल, इफ इट वर नॉट सो देयर वुड बी अ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वल पोटेंशियल नहीं होगा तो क्या होगा? अब एक बात बताओ कि चार्ज हमारा इधर से किधर की तरफ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मान लो कि हम कह रहे हैं कि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम नहीं है, ए और ये पॉइंट का पोटेंशियल, मतलब यहां का पोटेंशियल ज्यादा है यहां का पोटेंशियल कम है ना, तो चार्ज हाई से लो की तरफ अपने आप फ्लो करने लगेगा। तो क्या कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है वो स्टेशनरी रहता है कि मूव करता है? ध्यान सुनना मेरी बात को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे है ना, बहुत सारा चीज यहां पर रिवील होगा इसी पॉइंट से। हम ये भी सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है वो हर समय परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ये भी इसीलिए होता है कि अगर मान लेते हैं गलती से भी अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल मिल जाएगा और एक परपेंडिकुलर बनेगा, और जो पैरेलल होगा वो बोलेगा चार्ज को बाबा तुम इधर से निकलो है ना अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस चार्ज को इधर इधर फ्लो करवा देगा, जब फ्लो करवाएगा तो कहीं ना कहीं वर्क होना है, और वर्क होने के लिए हमें यही कह रहे हैं कि इधर की तरफ ज्यादा पोटेंशियल इधर की तरफ कम पोटेंशियल है, तो ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि चार्ज तो हमारा स्टेशनरी रहता है, जब चार्ज स्टेशनरी है तो कहीं ना कहीं उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्या बोल देते हैं वो कोई वर्क नहीं हो रहा है, और जब वर्क नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल हर जगह पूरे सरफेस पर सेम होना चाहिए, और ये होने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हर समय परपेंडिकुलर सरफेस से निकलवाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, ये एकदम पूरा अच्छा समझ में आ गया मेरी बात, ठीक है। नहीं समझा फिर सुनो, अगर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, हम अभी नहीं सीखे थे कंडक्टर के सरफेस से हर समय परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं, क्यों निकलता है? अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कह रहे हैं कि ऐसे निकल रहा है, उसके दो कंपोनेंट बनेंगे ना जी बाबा, एक ऐसे और एक ऐसे वाला, जो ऐसे वाला होगा वो तो चार्ज को बोलेगा बाबा जाओ ऐसे सरफेस पर है ना, सरफेस पर ऐसे मूव करवा देगा, और अगर ऐसा होने वाला है तो हम यही कह देंगे कि भाई चार्ज मूव नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि कंडक्टर के सरफेस पर फाइनली हम बोल चुके हैं कि सरफेस पर चार्ज अगर रुक गया है, जब रुक गया है तो कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो वर्क नहीं होना है, वर्क नहीं होना है तो पोटेंशियल हमारा सेम होना है, और पोटेंशियल अगर सेम होना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हर से परपेंडिकुलर निकलना पड़ेगा। क्या बात है, तालियां। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्राउडेड टुगेदर इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड वेयर एज दे आर रेडियली फार अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीक। तो हम लोग पहले सीख चुके हैं कि जितना ज्यादा स्टीप इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नजदीक होगा वहां पर क्लोजर इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलते जाएंगे, और जितना दूर हो जाएगा वहां पर फार अवे हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है तो वहां पर हमको स्पेसिंग मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस में। इफ अ चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जिसका कि पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको कॉपी कर लो, हम तब इस पर बात करते हैं लास्ट वाला पॉइंट पर, कॉपी कर लो इसको। तो अगला पॉइंट क्या कर रहा था कि इफ अ चार्ज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लेते हैं कि हमारा यही इक्विपोटेंशियल सरफेस है ऐसा,
ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बना दिए ऐसे बहुत सारा बना लिए, मान लेते हैं 100 वोल्ट का, ये हमारा 80 वोल्ट का और ये 60 वोल्ट का, अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं। और इमेजिन कर ही सकते हो कि इधर की तरफ वोल्टेज घट रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऐसे ऐसे ड्रॉ हुआ होगा, इसमें कोई दिक्कत? क्योंकि इलेक्ट्रिकल लाइन्स उधर ही होता है जिधर की तरफ वोल्टेज घट रहा होता है और हर समय परपेंडिकुलर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा ऐसे बनेगा इलेक्ट्रिकल है ना, क्योंकि तो इधर नजदीक है ऐसे परपेंडिकुलर बनते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, अगर एक वर्ग की बात कर रहे हैं ना, वर्ग क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा नेगेटिव में, है ना ऐसे। वर्ग होने के लिए हमको पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए और पोटेंशियल का डिफरेंस तभी मिलेगा जबकि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस से, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ मूव करें। यानी अगर हम एक चार्ज को उठा करके ए पॉइंट से उठा करके बी पॉइंट तक लेके जाएं ऐसे, तब हमको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम एक चार्ज को उठा करके यहां से उठा करके यहां भेज दें तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अलोंग द सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई वर्क नहीं करना पड़ता। ये दो बात यहां पर लिखा हुआ था कि इफ अ चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो, अ वर्क हैज टू बी डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू द अनदर पॉइंट, ना कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए ही हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अ चार्ज रिसाइडेड टू द आउटर सरफेस, इसमें कोई बहुत चुका है बात, नो वर्क इज डन मूविंग अ चार्ज इंडक्टर, मतलब कंडक्टर के अंदर में कोई काम नहीं करना पड़ेगा और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस नहीं करता, दैट्स इट, दिस इज द कंप्लीट पिक्चर, इज इट ओके। अब हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर, कॉपी कर लो अभी तक के सारे कहानी, रेडी कॉपी कर लो। तो चलो पहला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, यहां पर हमको कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिए हुए हैं, अगर ऐसा कुछ लिखा रहा था समझ जाना है कि भाई ये पूरे सरफेस का पोटेंशियल 40 वोल्ट है और उसी तरह से इसका पोटेंशियल 30 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है, पहला बात ये समझ में आया। दूसरा बात क्या सीखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगा, तो भाई पोटेंशियल जिधर घट रहा है उधर के तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, ठीक है। तो हमारा सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, उसका स्ट्रेंथ कितना है, हम वो निकालने वाले हैं। तो ई बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस में डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर होता है, हमेशा मॉड कर लेते हैं क्योंकि हमको पता चल चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही है, तो हमको सीएससी को वैल्यू चाहिए। तो डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नाप लेना है, तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लो, चाहे इसका इसका या फिर इसका इसका या तो इसका इसका, किसी का लो, मेरा काम बन जाएगा, हम इन दोनों के बीच बात कर रहे हैं। तो 40 माइनस में 30 अपॉन इन दोनों डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कितना जाएगा, 2 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 10/200 है ना, तो बेसिकली हो गया हमारे पास 500 न्यूटन है ना, दिस इज योर आंसर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, कोई दिक्कत। फिर से देख लो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था बाय डेल्टा आर चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिए बाय डेल्टा आर कर दिए, मेरा काम बन गया। सिमिलरली अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कॉपी कर लो इसको जल्दी से, जल्दी कॉपी करो, हाथ तेज चलो, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, कॉपी करते जाते जल्दी, हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस वाले सवाल में कह रहा है कि ये देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा एक इंक्लाइंड है ना, 10 यहां है, 20 यहां है, 30 यहां, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होने वाला है ना, नहीं समझ में आ रहा बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्योंकि इधर की तरफ बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, इसके परपेंडिकुलर होने वाला है और वो कुछ इस डायरेक्शन में होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो अगर हम यहां पर से एक ड्रॉ कर दे परपेंडिकुलर, मेरा काम बन सकता है, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के, परपेंडिकुलर होना चाहिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर हो गया यहां तक बात। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है कितना, ये बात तो तय हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ ही, अब बताओ ये डिस्टेंस है कितना, अगर ये 10 है और ये 20 है, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया 10 और ये अगर 30 डिग्री तो भी हो गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, लिखा हुआ 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अगर इसी चीज को हम थोड़ा ऐसे बड़ा करके यहां दिखाएं तो हमको थोड़ा ऐसे कुछ दिख रहा है,
है ना ऐसे, ये पॉइंट हो गया हमारा 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 30 डिग्रीज। ये डिस्टेंस कितना हो गया भाई, 10 हो गया, है ना। तो हमको क्या चाहिए, ऐसे से बना हुआ ये लाइन, ये हमारा 10 वोल्ट वाला और ये 20 वोल्ट वाला। अब बताओ 10 का cos 30 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री, मतलब हो गया 5 सेंटीमीटर, साफ दिख रहा है 10 sin 30 का मतलब 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है, तो हमको पता है E इक्वल टू क्या होता है, माइनस में डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस और इसी दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिफरेंस कितना है, 20 माइनस 10 अपॉन इसके लिए डिफरेंस हो गया 5 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेना, आ गया होगा आंसर, आई थिंक आ जाएगा हमारे पास 10 अपॉन 5 इंटू 100 यानी हो गया 200 न्यूटन पर कूलम, दैट्स इट, है ना। तो यहां पर बेसिकली हम ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और वो जो है पोटेंशियल डिफरेंस और उसी दोनों के बीच का स्पेसिंग के डिवीजन से आता है ना, तो उसके वजह पोटेंशियल डिफरेंस और इस दोनों के बीच पर ये डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस से काम नहीं चलेगा हमको, इस दोनों के बीच डिस्टेंस यही होगा, इसलिए हमको वो डिस्टेंस निकालना पड़ा 5/100। सेट ओके, कॉपी कर लो, अगले की तरफ पढ़ते हैं। ओके कॉपी जल्दी करो। यहां पर P लिखा हुआ, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन आ रहा है यहां पर, है ना, जो स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसमें कह रहा है कि इस तरह से करके इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ए बी सी दो तीन पॉइंट दिया हुआ है और कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है, बी ए बराबर बी बी वगैरह लिखा हुआ है। एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाया हुआ है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ऐसे ही बनेगा, यानी कि इस सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल सेम होने वाला है। तो पहला बात तो ये तैयार हो गया कि बी ए बराबर है बी बी, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, इस कारण से हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, तो बी ए इक्वल टू बी बी हो गया। एक और बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बढ़ता है पोटेंशियल वाला घट जाता है, तो यहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे उसका वोल्टेज तो कम हो जाएगा, यानी कि बी सी कम है बी बी से, ठीक है। तो जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास बी ए बराबर बी बी और बी बी बड़ा है बी सी से, तो जो ऑप्शन आ रहा है वो हमारे बी बी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है, दिस इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है, कॉपी कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींचते जाओ फटाफट, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट खींचना, और इसको तो मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, इसमें क्या था क्वेश्चन था, बेसिक सा चीज था जो सीख चुके हैं हम लोग। अगले के ऊपर पूछ रहा है कि ये बताओ, अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें कह रहा है कि पॉइंट रिजेंबल्स इक्वल पोटेंशियल आर, है ना, कहां कहां पर पोटेंशियल इक्वल है, फिर सेम सवाल हो जाएगा, ये होगा एस और आर, है ना, बी एस बराबर हो जाएगा बी आर, यानी कि एस और आर का पोटेंशियल सेम होने वाला है, कोई मतलब तो था नहीं क्वेश्चन का, ठीक है, कॉपी कर लो, ऐसा पूछा गया है। चलो अभी से कुछ कुछ क्वेश्चन फटाफट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां ध्यान सुनो, इसमें क्या कह रहा है, इन अ मूविंग फ्रॉम ए टू बी, है ना, ए से लेकर के बी तक, सपोज करती है पॉइंट ए, ये पॉइंट है बी, तो वर्क कितना करना पड़ा है, इसमें कहा है 6.4 इंटू 10 रेस टू दी पावर माइनस में 19 जूल, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर गया है ना, इफ फाइ वन एंड फाइव टू आर इक्विपोटेंशियल सरफेस देन पोटेंशियल डिफरेंस बी सी माइनस एंड बी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, और सी कहां है वो ये है, ठीक है, बीच में ई वगैरह भी बना दिया है इसने, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसने बोला है ए से लेकर के बी तक हम आए हैं, है ना, ए से बी तक लेके आए, है ना, इन मूविंग समथिंग, ठीक है, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन को, एक निगेटिव चार्ज को हम इधर से इधर की तरफ ले गए हैं, तो हमको इतना वर्क करना पड़ा है, तो हमको बताओ बी सी माइनस है बी ए का वैल्यू, अरे भाई बी सी और बी ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो वही होगा जो बी बी माइनस बी ए होगा, क्योंकि इसके हर एक जगह पोटेंशियल सेम है, क्योंकि हम ये बात लिख सकते हैं कि बी बी जो है वो तो बी सी के बराबर है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज, डब्ल्यू बराबर बी क्यू, है ना। तो वर्क दिख रहा है 6.4 इंटू 10 माइनस में 19 अपॉन चार्ज की जगह पर लिख सकते हैं चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू माइनस में 19 कूलम, ये हमारे पास 4 जूल आंसर।
ठीक है। अब ऑप्शन में दिख रहा है हमको ए और बी, दोनों में हमको दिख रहा है माइनस फोर और प्लस फोर, यहां पर कचरा फैल जाएगा। अब देखो ध्यान से हम क्या बोलना चाह रहे थे कि वर्क का फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, वर्क का फॉर्मूला हम क्या बोले थे, सबसे सिंपल क्या होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी होता है। तो माइनस में क्यू इंटू डेल्टा वी मतलब कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हो जाएगा, जो कि निगेटिव में बनेगा। तो माइनस में चार्ज का वैल्यू क्या है, माइनस में ई है, और फाइनली कहां पहुंचे हैं, यहां पर, और है ना, फाइनली यहां पहुंचे हैं, ए से लेकर के बी गया था, देखो ध्यान से ए से बी तक गया था। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है ये ऐसे है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो यहां पर तो ज्यादा पोटेंशियल ना होगा और यहां पर कम पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमारा घट जाता है। तो हम एक बात ये भी लिख सकते हैं कि बी भी बड़ा होगा बी ए से, ठीक है। तो यहां पर आप लिख रहे हैं कि हम फाइनल ए से बी तक गए थे, इसलिए फाइनल आप लिखेंगे बी भी माइनस बी है, और ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी ये तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है और ये भी हमारा पॉजिटिव ई आ रहा है, पीओ के हमारे पास प्लस में फोर जोड़ी। बात समझ में आया कि नहीं आया, पूरा अच्छा से समझ में आया, क्योंकि चार्ज को भी लिखेंगे माइनस में, वी एफ माइनस वी आई, फाइनली हम बी पर पहुंच रहे थे, शुरुआत में थे हम ए पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है तो जरूर है कि यहां पर ज्यादा पोटेंशियल होगा, यहां पर कम पोटेंशियल होगा, ज्यादा में से कम वाले घटा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, कॉपी कर लो। लास्ट क्वेश्चन है आज का, यहां पर बोल रहा है फाइंड करो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फंक्शन ऑफ आर के रूप में। पहला बात तो ये जो पिक्चर दिख रहा है वो साफ दिख रहा है कि पॉइंट चार्ज से रिलीज हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं पॉइंट चार्ज जरूर होगा जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकला होगा। पहला ऑब्जर्वेशन, देखो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले सवाल में, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी जगह पर पोटेंशियल जो होता है वो हम ऐसे लिखते हैं वी बराबर के क्यू अपॉन आर, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। अगर हम इस सरफेस पर ही बात करते हैं, क्योंकि यहां का हमको वोल्टेज ही पता है और डिस्टेंस पता है ना, तो हम लिख सकते हैं कि वी बराबर 60 इक्वल टू के क्यू अपॉन आर यानी कि 10, ठीक है। यहां से हम के क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 10/100 हो जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर में है, तो यहां से ये खत्म हो गया, 10 से 10 खत्म हो गया, के क्यू का वैल्यू क्या 6, के क्यू का वैल्यू क्या 6। अगर हमको बता इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजीशन क्या होता है, वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां से लिखते हैं क्या, के क्यू की जगह लिख देते हैं 6 अपॉन आर स्क्वायर, दैट्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड। सिक्स अपॉन आर स्क्वायर इस तरह से वेरी कर रहा है, समझ में आ गया मेरा बात। तो ये था आज का पूरा लेक्चर इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, इस पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को स्टडी किया है। कॉपी में जाओ और पूरा प्यार से इसको कॉपी कर लो जो भी नोट्स है, और इसको आत्मसात कर लो, अंदर में भर लो, दैट्स इट, और लाइक कर दो, हाँ सब्सक्राइब तो करवे करोगे, बाय, ठीक है।